सलमान खान की टाइगर 3 से बहुत उम्मीदें थी। दर्शकों के साथ साथ ट्रेड पंडित भी उम्मीद लगा रहे थे कि ये रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी, लेकिन ये सारी उम्मीदें अब धराशायी हो गई हैं। 12 नवंबर को दिवाली के मौके पर रिलीज हुई टाइगर 3 को अभी 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए और ये बॉक्स ऑफिस पर रेंगने लगी है। 10 दिन में तो इसने बड़ी मुश्किल से 243 करोड़ कमाए थे और अब 11वें दिन तो और भी बुरा हाल हो गया है। 10वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को फिल्म ने 6 करोड़ 70 लाख रुपए कमाए थे, लेकिन 11वें दिन ये और गिर गई। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बताने वाली साइट सैकनिल के मुताबिक 11वें दिन यानी 22 नवंबर को टाइगर 3 की कमाई और गिर गई। इसने जैसे तैसे 5 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए। हालांकि ये भी शुरुआती आंकड़े हैं, फाइनल रिजल्ट कुछ देर बाद पता चलेगा, लेकिन इसी आंकड़े को मान लिया जाए तो फिल्म ने अभी तक 250 करोड़ भी नहीं कमाए हैं। देश भर में टाइगर 3 की अब तक की कमाई सिर्फ 249 करोड़ रुपए है, जबकि इतने दिनों में तो शाहरुख की पठान ने देश भर में 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। वहीं वर्ल्ड वाइड पठान 781 करोड़ कमा चुकी थी। यही नहीं, शाहरुख की जवान ने भी 11 दिनों में देश भर में 477 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 855 करोड़ कमा लिए थे। वर्ल्ड वाइड कमाई की बात करें तो टाइगर 3 ने 10 दिनों में 729 करोड़ कमाए हैं। अभी 11वें दिन का आंकड़ा नहीं आया है। टाइगर 3 में इमरान हाशमी, कटरीना कैफ, आशुतोष राणा, रिद्धि डोगरा, विशाल जेठवा और रेवती नजर आईं।